हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने जो इससे पहले वीडियो है उसका एंड किया था ये बोल के कि मेरे को बनानी है पनीर बिरयानी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए बिरयानी की रेसिपी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने सब्जियाँ उसके लिए प्याज जो है सब कट करके रख ली हैं और नहा के आ गई मैं, पूजा कर ली, सारा क्लीनिंग का काम कर लिया, सब हो गया। अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी एकदम बढ़िया टेस्टी सी पनीर बिरयानी। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ किचन में। तो प्याज आलू तो मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे, तो यहाँ मैं पनीर को भी कट कर लेती हूँ। इसको थोड़े बड़े बड़े चौकोर चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसको मैं करूँगी सैलो फ्राई। तो उधर गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, तो जब तक वो गर्म हो रहा है हमारा पनीर भी कट जाएगा और इसको सैलो फ्राई कर लेंगे अच्छा सा डार्क पिंक सा कलर आने तक, इसको भून लेंगे। मैं इसमें सारे पनीर क्यूब्स जो हमने कट करके रखे हैं उनको डाल देती हूँ और डाल के बस इनको पलट पलट के और ब्राउन कलर आने तक सेक के तैयार करके रख लेते हैं। और पनीर बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, नॉर्मल बिरयानी से तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ हमारा बाती बातों में पनीर भी सिक के तैयार हो गया और ये मैंने एक कटोरी चावल लिए थे जिनको भिगो के रख दिया, तो इनको आधा घंटा हो गया है। तो बस यहाँ कुकर में ऑयल डाल देती हूँ मैं। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों का डालें या देसी घी, जो भी आप खाते हो उसमें बना सकते हो। तो मैंने तो यहाँ ये ऑयल डाल के और इसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर दिया था और अब इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ मैंने दो लिए तेज पत्ते और दो टुकड़े लिए हैं दालचीनी के और एक लिए फूल चक्री, और फूल चक्री दालचीनी डालने के बाद मैंने लिए 8 से 10 काली मिर्च और 8 से 10 लौंग। तो उन सबको डाल देंगे यहाँ पे और डाल के इनको हल्का सा चटकने देंगे। और यहाँ लिया है मैंने पत्थर फूल, ये जो हम बिरयानी बनाओ या पुलाव बनाओ ये थोड़ा सा भी आप डाल दोगे ना तो उसकी खुशबू इतनी बढ़ जाती है कि आपके घर में बनेगी और पड़ोसी पूछने आएंगे कि आपके घर में आज ऐसा क्या बन रहा है, इतनी ज़ोरदार बिरयानी की खुशबू आती है ना कि सब लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। और यहाँ मैंने बस ये प्याज को लंबा लंबा कट करके रख लिया था, यहाँ मैंने लिए 6 से 7 प्याज मीडियम साइज़ की, तो उनको कट करके रख लिया था और 2 हरी मिर्ची बीच में से चीरा लगा के मिर्ची डाल दी, उसके बाद मैं प्याज ऐड कर दी इसमें और अब इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूंज लेंगे। और ये मैंने यहाँ वाइट वाली प्याज ली है, तो इनको अच्छे से भूंज लेते हैं। और यहाँ प्याज देखिए हमारी काफ़ी भूंज गई है, गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैंने क्या आलू ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, उनको कट करके रख लिया लंबा लंबा, तो वो डाल दूँगी इसमें। और आलू डालने के बाद इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तेज़ गैस पर, इनको चलाते हुए उलट पलट के हल्का सा कलर आ जाएगा इनमें आलूओं में और फ्राई हो जाएंगे, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा बिरयानी में। और आलू भी हमारे यहाँ अच्छे से फ्राई हो गए, तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और 2 चम्मच भर के डाल दूँगी बिरयानी मसाला। और आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गर्म मसाला भी उसकी जगह डाल सकते। तो अभी मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए, पहले हल्दी डाल के इसको भूंजा, फिर टमाटर मैंने लिए हैं या 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि टमाटर बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास और भी सब्जियां हैं तो आप वो भी ले सकते हो। तो टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया इसमें स्वाद अनुसार, नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। नमक से क्या होगा हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब बस इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और 2 चम्मच बिरयानी मसाला इसमें डाल के और इनको अच्छे से भूंज लेंगे सब। और मसालों को अच्छे से भूंजना है हमें जब ही हमारी बिरयानी बहुत टेस्टी बनेगी। बस 1 मिनट लगा के मसाले भी हमारे अच्छे से भून जाएंगे। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल सकते हो, बट मैं भूल गई थी तो मैंने नहीं डाली। मैं यहाँ पर जो चावल भिगो के रखे थे उनको धो के ले लिया, और ये मेरे पास बासमती की पौनी है। यहाँ पे मेरे पास जो बिरयानी वाले चावल आते हैं बासमती लॉन्ग राइस, वो नहीं थे, तो मेरे पास ये पौनी थी तो मैंने इसी से बनाई है। तो
बस इनको अब हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए हैं, अगर तेज़ तेज़ मिक्स करेंगे तो टूट जाएंगे। तो हल्के हल्के हाथ से चलाते हुए एक मिनट इनको भूंज लेती हूँ। और यहाँ मैंने एक कटोरी चावल लिए थे, तो एक कटोरी चावल में मैं 1.5 कटोरी पानी डालूँगी क्योंकि चावल भीगे हुए हैं, तो इसलिए 1.5 कटोरी पानी बस है। तो बस अब ये सब भून गए आपस में मसाले अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डाल दिया और इसमें एक उबाला आने देंगे चावलों में ना, उनको अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल आने देते हैं। और जैसे इसमें बॉयल आएगा तो यहाँ मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली थी 6 से 7, वो डाल दी हल्का सा क्रश करके, और धनिया पत्ती काट के डाल दी खूब सारी, क्योंकि बाद में हम धनिया पत्ती मिक्स करते हैं ना तो अच्छे से मिक्स नहीं आती है। इस तरह से आप डाल दोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होगा हमारी बिरयानी में। और अब लास्ट में जो पनीर था जो हमने फ्राई करके रखा था वो सारा पनीर इसमें डाल दिया और सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 1 सीटी आने देंगे फुल फ्लेम पे। 1 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर निकलने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो यहाँ कुकर का प्रेशर निकल चुका था 1 सीटी आने के बाद, तो बस मैं चेक कर रही हूँ और जो खुशबू आ रही है ना गर्मा गर्म बिरयानी की, कि पूछो ही मत। तो यहाँ मैंने आधा नींबू का रस इसमें डाल दिया क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी काफ़ी डाले थे। नींबू डालने के बाद हल्के हाथ से इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो पहले जो भी हम चावल बिरयानी पुलाव जो भी बनाते हैं उसको एकदम से ना चलाएं गरम गरम में, साइड से किनारियों से उसको हल्का सा चलाएं। तो बस ये प्लेट लगा के यहाँ तैयार कर ली। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से देसी घी डालेंगे, हरी चटनी, और मैंने बनाया है खीरे का रायता उसके साथ में, मैं बस सबको दे दूँगी। और ये मन्नू की फेवरेट है ये बिरयानी ना, पनीर वाली। तो यहाँ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, सबको बहुत पसंद आई। तो पनीर बिरयानी बना के तैयार कर दी मैंने और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मन्नू को भी पसंद आ गई और मेरे तो सब्जी थी और बिरयानी थी, 1-2 चपाती सेक ली, बस हो गया काम। तो अभी का काम फ्री हो गया था, बस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को, क्योंकि मैंने कुछ सब्जियाँ मंगाई हैं। तो सोच रही हूँ उसमें लौकी बहुत अच्छी आई है, एकदम कच्ची कच्ची लौकी है, बहुत ही अच्छी सी एकदम कच्ची। तो मेरा मन कर रहा है कि उसका ना मैं हलवा बना लूँ, थोड़ा सा मीठा मावा भी रखा हुआ है मेरे पास। तो देखती हूँ शाम को अगर ये लोग खाएंगे तो लौकी का हलवा बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। और बिरयानी मैंने तो जो नॉर्मल चावल थे मेरे पास बासमती का पौना, उससे ही बनाई थी। और आप लोग चाहो तो जो बिरयानी वाले चावल आते हैं ना लॉन्ग राइस बासमती का, उससे और भी ज़्यादा एक एक चावल खिला खिला बनता है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनी थी नॉर्मल चावल के साथ भी, एकदम चटपटी मसालेदार अच्छी बनी थी। और उसमें जो मैंने पत्ता फूल डाला था उससे तो जो खुशबू आती है ना पूछो ही मत, बहुत अच्छी खुशबू आती है, एकदम से मज़ेदार। तो बिरयानी हमारे यहाँ बस हो गया खाना पीना, आप देखते हैं जब हलवा बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी बिल्कुल शाम को। और ये है शाम के टाइम, तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ऑर्डर की थी, वो सब्ज़ियाँ आ गई थी तो बस उनको ही वॉश कर ली थी मैं। तो यहाँ ये देखिए घिया कितनी कच्ची कच्ची है ना, एकदम ताज़ा घिया थी, कच्ची कच्ची छोटी छोटी। तो ये थी 900 ग्राम के आसपास घिया थी, 3 घिया थी छोटी छोटी कच्ची कच्ची। तो भाई सब्जियों को धो के टोकरी में रख दिया, अदरक भी मंगाया था, पपीता भी मंगाया था, सारी चीज़ें थी, मिर्ची वगैरह। तो अभी सूख जाएंगे और हम यहाँ बना लेते हैं घिया का हलवा। लौकी का हलवा इतना टेस्टी लगता है कि पूछिए मत आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी व्रत हो कुछ भी हो तो उसमें आप बना के खा सकते हो। अभी तो सावन के सोमवार स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, बना के ज़रूर खाएं। तो बस यहाँ मैं लौकियों को सबको छील लिया और नीचे से उनके जो नीचे का पार्ट होता है ना वो हटा दिया थोड़ा थोड़ा। और बस आपको यही बोल रही हूँ कि बारीक वाला जो है ना इससे हमें नहीं करना, ये जो बारीक वाला होता है, हमें जो मोटी साइड होती है ना इससे ग्रेट करेंगे जो हमारी लौकी है उसको। तो बस सारी लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ और पीछे का थोड़ा सा पार्ट इसका हम छोड़ देंगे।
और अगर ये मोटी होती ना तो मैं क्या करती, इसके चारों तरफ का जो पार्ट है वही ग्रेट करके लेती हूँ, जो बीच में बीज वाला हिस्सा है उसको हटा देती। लेकिन ये तो कच्ची है और बहुत ही मीठी सी घिया थी, एकदम कच्ची कच्ची, तो मैंने सारी घिया ऐसे ही बस ग्रेट कर ली। तो यहाँ ये सारी घिया हमने अच्छे से ग्रेट कर ली। अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया, आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले सकते हो या पैन ले लो जिसमें कि चिपके ना। तो यहाँ बस मैं घिया डाल दूँगी फटाफट से। जैसे ही हमने घिया को ग्रेट किया उसके तुरंत बाद हम डाल देंगे, रखेंगे नहीं, नहीं तो वो काली पड़ जाएगी, और जब वो काली पड़ जाएगी तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा इतना अच्छा। तो बस यहाँ मैंने घिया डाल दी और इसमें मैंने डाल दिया 1 कप दूध। घी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है अभी तक, सिर्फ 1 कप दूध के साथ हम इसको सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकाएंगे। तो 1 मिनट में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी सबको, और इसमें जैसे ही उबाली आने लगेगी तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी ढक के और 2 से 3 मिनट सिम पे छोड़ दूँगी, तो दूध भी पकने लग जाएगा और घिया भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको चेक करेंगे। और इसमें घी बिल्कुल नहीं डाला। इस तरह से आप लोग बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और जो लौकी का कलर है वो बिल्कुल भी काला नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें तुरंत ही दूध डाल दिया, तो उससे कलर भी बहुत अच्छा रहता है। तो ढक के इसको 1 से 2 मिनट पकने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ 2-3 मिनट हो गए थे तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए दूध भी काफ़ी हद तक इसमें कम हो गया है और घिया जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको खोल के ना थोड़ी देर गैस का फ्लेम तेज करके और उस पर ही ऐसे चलाते हुए इसको थोड़ा भूंजूंगी मैं, जिससे कि दूध जो है वो जल्दी से मावे में बदल जाएगा। जो भी हमने दूध डाला उसका मावा बन जाएगा लगातार चलाते हुए। और बस अब इसमें डाल दूँ मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया है मैंने, जो फ्रूट्स कलर आते हैं ग्रीन कलर का, उसको 1 पिंच लेके हल्का सा पानी डाल के उसको लिक्विड कर लिया, और इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, देखने में भी आपकी जो घिया का हलवा है बहुत अच्छा लगेगा और एक अच्छा सा नेचुरल कलर आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बहुत थोड़ा सा डालना है, 1 पिंच से भी कम। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ कलर डालने का। तो ये देखिए आया ना एकदम बढ़िया सा कलर। अब इसमें यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर दूँगी, तो चीनी मैं यहाँ थोड़ी सी कम ऐड करूँगी, क्योंकि जो मेरे पास मावा है वो भी मीठा है। तो मैंने यहाँ बड़ी वाली 2 चम्मच चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करके लगातार चलाते हुए, और जैसे ही हम इसमें घिया में जब चीनी डालेंगे हलवे में, तो चीनी का इतना पानी छोड़ देती है कि इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए कितना पानी पानी हो गया। तो अब मैं इसको फुल गैस पर चलाते हुए पानी को सुखा लेती हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें बाकी की इलायची पाउडर और मावा ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ मैं 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ इसमें। इलायची पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आती है, और मैंने इसमें तो कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं अभी। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ मेरे पास ये थोड़ा मीठा मावा था, ताज़ा ताज़ा मावा था ये, घर का ही बना हुआ, तो मैंने ये ऐड कर दिया इसमें 2 चम्मच, फुल 2 चम्मच भर के। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको चला के लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और इसको भूंज लेंगे। इस हलवे में जो मेन चीज़ है वो है इसको अच्छे से भूंजना। आप जितने प्यार से अच्छे से इसको बनाओगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए मावा भी मिक्स हो गया, अच्छे से हलवा हमारा भूंज रहा है, और हलवा यहाँ बिल्कुल बनके तैयार है हमारा एकदम से। तो बस 1 मिनट में मैं इसको और साइडों से किनारियों को छुड़ाते हुए अच्छे से इसको चलाऊंगी। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है देसी घी। देसी घी डालने के बाद ना हलवे में एक अच्छी शाइनिंग सी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं डालना तो स्किप कर सकते हो, पर 1 चम्मच ही घी डाला है हलवे में, ज़्यादा नहीं। इससे भूंजेंगे ना तो भूंजने में भी अच्छे से भून जाएगा और अच्छी सी एक शाइनिंग आ जाएगी। तो बस इसको लगातार चलाते हुए यहाँ मैंने भूंज लिया अच्छे से, और इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो यहाँ हलवा हमारा तैयार है, गैस बंद कर देती हूँ और ये ठंडा होके अपने आप ड्राई हो जाएगा। तो बस इसको एक बर्तन में निकाल लिया मैंने, प्याले में, और थोड़े से काजू डाल दिए। तो लौकी के हलवे की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे पता लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, मुझे वीडियो में क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें,
और बस खाना वाना बना लिया सारा, किचन विचिन क्लीन कर दी, और अभी बज रहे हैं रात के 11। तो मैंने सोचा इस वीडियो का यहीं एंड कर लेते हैं, फिर से मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे एक अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।